नमस्कार, मैं आनंद सिंह राठौर, फतेह स्टेट फार्म केलवा से। आज टॉपिक है कि थोरोब्रेड ब्रीड के अंदर मारवाड़ी को अगर ब्रीड कराएंगे थोरोब्रेड से, तो अपने को जो मारवाड़ी प्राप्त होगा वो उसमें क्या बुराई क्या अच्छाई आ सकती है। ये प्योर थोरोब्रेड है और हम लोगों ने इसको काफ़ी घोड़ों को देख के फिर सेलेक्ट किया राज्यवर्धन के रेसाज के लिए, और ज़्यादा इसलिए कि हमारे पास जो मारवाड़ी घोड़ा है उसको और इसको साथ चलाने से दोनों की स्टडी में एक कंपेरेटिव स्टडी आ सकती है कि इसको कैसे कंपेयर किया जाए। ये करीब 1.5 साल से हमारे पास है, मैं आपको इसकी डिटेल आगे बताऊंगा। मैं ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, लाइफ मेंबरशिप है, और मुझे सोसाइटी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया पंजाब में पूना में घोड़ों की मारवाड़ी रिंग्स की जजिंग के लिए भेजा जाता है। इस कड़ी में मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फॉर क्रिएटिंग मारवाड़ी। सबसे बड़े पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा डिजाइनर्स जोधपुर गज सिंह साहब को। उन्होंने 2002 में सेमिनार स्टार्ट किया, उसमें भी जितने भी मेंबर्स थे उन्हें भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके 3 दिन लगा के अपनी नॉलेज को पूरा बताते हुए उन्होंने एक्सप्लेन करके फिनोटाइप को फिक्स किया। फिर मेरा दूसरा थैंक यू रहेगा डिजाइनर्स के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, कर्नल साहब हैं, उमेश सिंह साहब, वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं उनका। फिर उनके जो पहले पुराने ओल्ड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनमें आरपी सिंह साहब झालामंड, उनके साथ और भी 4-5 कलीग्स थे। वो अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में जो भी है, जोधपुर सोसाइटी एक सोवेनियर निकालती है, वो आज तक भी निकालती आई है। उसमें पहले राघवेंद्र प्रताप सिंह जी झालामंड ने बहुत कंट्रीब्यूट करके उसको एक फॉर्मेट में ले आए, और अभी भी बहुत अच्छी प्रिंट करके उसमें नॉलेजेबल आर्टिकल्स हमें मिल सकते हैं। राज्यवर्धन आप इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम राज्यवर्धन राठौर है, मैं एक ड्रेसाज राइडर हूँ। मैंने राइडिंग शुरू की थी मेयो कॉलेज में, और उसके बाद 3 साल मैंने सरे यूके में ड्रेसाज राइडिंग सीखी है, और अभी मैं एक मारवाड़ी घोड़ा और ये एक थोरोब्रेड है 5 साल का, इन दोनों को कम्पीट कर रहा हूँ ड्रेसाज में। मारवाड़ी घोड़ा अभी कर रहा है एडवांस ड्रेसाज, और ये थोरोब्रेड है ये अभी 5 साल का, तो ये अभी अभी शुरू ही हुआ है, प्रीलिम और इंट्रोडक्टरी कर रहा है। और मारवाड़ी जो ड्रेसाज कर रहा है एडवांस ड्रेसाज, उसमें मूवमेंट्स आते हैं, जैसे हाफ पास होता है जिसमें टेढ़ा चलना होता है, फ्लाइंग चेंज होता है, और शोल्डर इन होता है, तो ये है। अब इस संदर्भ में मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा कि थोरोब्रेड ब्लड को अगर आप मारवाड़ी से ब्रीड कराओगे तो उसमें भी मैं 3 लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि अपने आप में सब्जेक्ट की अथॉरिटी है। सबसे पहले AK गुप्ता साहब जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है NRC बीकानेर में हिसार में, उन्होंने कर्नल साहब ने जोधपुर रिजाइनर्स ने एक सेमिनार कराया था बालसमंद में, उसमें ही रेड अ पेपर सेइंग दैट कि अगर आप थोरोब्रेड मिक्स करोगे तो काफ़ी डिफॉर्मिटीज आएगी। और मैं गवर्नमेंट से और आप ब्रीडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली इस ब्लड को मारवाड़ी में न यूज़ करके करा जाए। और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मारवाड़ी के अंदर ज़्यादा मिक्सिंग थोरोब्रेड की हो रही है, उसका कारण है लोगों को हाइट बढ़ा के बेचने के लिए ये किया जा रहा है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा, इसकी रेट भी बताऊंगा, मारवाड़ी इसकी हाइट है 66, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरे जो मेंबर थे पेपर रीड करने में आर डी झाला साहब को मेरा नमस्कार। ये वो एक लेजेंडरी आदमी है गुजरात से, जिन्होंने काठियावाड़ी पे बोला था, और उसके बाद भी वो इसी जगह पे आए कि साहब काठियावाड़ी को प्योर काठियावाड़ी से ब्रीड करो, वो 57-58 का घोड़ा है, उसको उतना ही रखो, उसका दम उसी में, उसको आप मिस करोगे बड़ा करोगे वो किसी काम का नहीं रहेगा जैसे। और तीसरे हैं डॉक्टर रामानाथन साहब, वो हूफ के लिए बहुत इंडिया में सबसे अच्छे हैं, कोई भी हूफ प्रॉब्लम हो
ही इज वेरी गुड इन दैट और उनको नॉलेज बहुत है। उन्होंने भी मुझे इसकी कई चीज़ें, अगर थोरोब्रेड को अपन मारवाड़ी में मिक्स करते हैं, ब्रीडिंग में लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। अब आगे चलते हुए मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे ये थोरोब्रेड है, इस थोरोब्रेड को इन्होंने अरब के 3 स्टैलियन 4 स्टैलियन लेके, अरब 57-58 इंच का घोड़ा ही है, उसको इंग्लैंड की जो स्टॉक मेज थी जो कि ठंडे खून की थी, बड़ी घोड़ियाँ थी, उन पे डाला। ये हमने पसंद किया, ये थोरोब्रेड में काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है, इसमें अरब इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसीलिए हमने पसंद किया, तो आपको ये थोड़ा सुंदर दिखेगा। अब अगर अपन कान से चलें, आप इनके कान देखो, आप इनके कान ब्रॉड है और आगे है और ऐसे कप जैसे हैं, तो इसको रेस के लिए बनाया गया, तो ये ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका ग्राउंड में नीचे रहता है, तो इसके कान भी आपको देखो ये आगे झुक रहे हैं, ऐसे झुकने में ऐसे आगे झुकेंगे और पिन पॉइंट भी आगे करेंगे, तो ये चीज़ें अपने मारवाड़ी में आएगी। मारवाड़ी का काम बिल्कुल स्ट्रेट है, ऊपर से टिप ऐसे मिलती हुई है और खुला कान है, बहुत उसको बहुत दूर तक देखना पड़ता है, प्रे प्रेडेटर कुछ भी देखना हो, और कान से घोड़ों का लगाव, कान से घोड़ा बहुत चीज़ समझ के काम करता है। तो अपन जैसे बोलते हैं मारवाड़ी का कान ऐसा चाहिए, इस कई घोड़ों में ब्लाइंड है, फिर भी उनके कान की वजह से आप रात को देखोगे, रात को स्टेबल में घोड़ा घूमता रहता है लेकिन कभी टच नहीं होता, तो अंधेरा है तो आँख तो काम नहीं कर रही, लेकिन उसके ईयर्स इतने इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ में, पहले घोड़ा कान से समझेगा, उसके बाद उसका आँख, उसके बाद उसके आता नोस्ट्रिल्स, स्मेल से समझेगा, फिर आँख से समझेगा, तो कान इतना इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखो इसका तवा फिर भी चौड़ा है, तो आप ये ब्लड डालोगे, आप मिक्स करोगे ब्रीडिंग में, तो आप इसका तवा पतला हो जाए। लेंथ ऑफ नेक इसकी शॉर्ट है अरब की वजह से, अपनी लेंथ ऑफ नेक थोड़ी अच्छी चाहिए। साइड में आप देखोगे तो अगर आप ये ब्लड डालोगे तो ये जॉ बोलते हैं, ये जॉ लाइन राउंड होके बड़ा हो जाएगी। इसकी मजल अच्छी है अरब की वजह से, थोरोब्रेड डालते तो ये मजल भी बड़ा हो जाता। उसके बाद इसके नॉस्ट्रिल्स ठीक है, टिप में फाइन है, फेस में पतला है, ये अपने मारवाड़ी में भी होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब आप थोरोब्रेड डालते हो, जिसको बोलते हैं थ्रॉटलेज, आप ये देखो ये इसके मुकाबले इसमें फिर भी ठीक है क्योंकि अरब इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो ये थ्रॉटलेज ये यहाँ से बढ़ जाता, यहाँ से हैवी हो जाता घोड़ा, हैवी होने में इसको बनाया गया फास्ट ट्रैक पे दौड़ने के लिए, तो ये सीधा दौड़ जाता है, लेकिन अपने मारवाड़ी की यहीं से इधर से नेक आर्च हो जाएगी और नीचे वाली भी आर्च रहेगी और ऊपर जाके बैंड होता, तो अगर आप इसको बैंड कर दोगे तो फिर ये सांस कैसे लेगा, इसलिए मारवाड़ी में ये बहुत बड़ा फॉल्ट डेवलप करता है अगर अपन डालते हैं तो। उसके बाद आप वेदर्स पे देखें, ये यहाँ इस पर डिप है, अपना मारवाड़ी यहीं से उठना चाहिए, और वो वॉर हाउस वॉर के लिए ब्रीड किया हुआ है, तो वो अपने सवार को पीछे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आप इसकी वेदर, इसकी शोल्डर लेंथ देखो बहुत बड़ी है, इससे इसकी स्ट्राइड बड़ी आती है, मारवाड़ी की स्ट्राइड छोटी आती, चेस्ट में ठीक है, ये आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे में लेगी है थोड़ा, लेगी होने की वजह से क्या है कि ये इसमें हार्ट में सब जगह कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका फोरआर्म अच्छा है, थोरोब्रेड में ये शैंक बहुत पतला आता है जो कि मारवाड़ी में बहुत अच्छा आता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ, यहीं ताकत है, अगर ये थोरोब्रेड के ही रेस में यहाँ से टूट जाते हैं। इसकी कैनन ठीक है, इसके पैस्टन थोड़े लंबे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हूफ के अंदर, थोरोब्रेड को सरफेस एरिया कवर करने के लिए हूफ वो हमेशा ट्राई करते हैं कि बड़े बनाएं। बड़े बनाने में क्या होता है कि ये इसकी हूफ वॉल है वो पतली हो जाती, और अंदर से आप देखोगे कि इसका होलोनेस बढ़ गया, अंदर से पोला है, होलो है, तो फुट पंचर और आगे इनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सूम फटना, इनमें क्रैक आना, तो ये सब वीकनेसेस अपने घोड़े में नहीं है, वो अगर ये ब्लड डालेंगे तो उसमें आ जाएगी। ये 5 साल का फुल ग्रोन हॉर्स है, अभी इसकी हाइट विदर्स तक यहाँ से यहाँ सूम के नीचे से यहाँ नापते हैं 66 इंच है, 66 इंच का घोड़ा है, लेकिन ये पैरों में वीक है, और इसकी ये गर्द देखो, ये फिर भी प्रोपोर्शन है, और आपको ताजुब होगा सुन के, इस 66 इंच का घोड़ा हमारे वो जिसने दिया था उन्होंने कहा हमने 90,000 में खरीदा, और हमको तो और भी कम पैसे में दिया, तो मेरा मारवाड़ी लोगों को कहना है, मारवाड़ी ब्रीडर्स को या मारवाड़ी जो पसंद करते हैं, आप टाइप में जाएं, न कि ये हाइट इज़ अ वीकनेस,
अब आप हाइट हाइट करते हैं, हाइट का घोड़ा चाहिए, अभी 66 इंच का घोड़ा क्या कीमत का है, 1,00,000 रुपए का भी नहीं है, तो उसमें अपने को फायदा नहीं है। फिर इसकी शॉर्ट बैक मीडियम बैक है, मीडियम बैक की मारवाड़ी में चाहिए। मैं वापस दोहराता हूँ, ये अरब ज़्यादा है इसलिए इसके ये जितने भी ये पुट्टे थोड़े गोल दिख रहे हैं, बाकी ये एंगुलर हॉर्सेज है और अपना घोड़ा राउंड है। जितना राउंड होगा इसकी हाइट के प्रोपोर्शन में रिब केज कम है, गोलाई बड़ी होनी चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम्स अपने को आती है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप मारवाड़ी के फीचर समझो, मारवाड़ी में जो काम करते हैं उन लोगों से आप सीखो और मारवाड़ी को मारवाड़ी में रखा, हाइट के लिए या दूसरे फीचर्स के लिए कम ट्राई करके काम करें तो अच्छा रहे। थैंक यू।